If you are a content writer or you want to start your content writing journey, then you should know this first. No matter what you are writing, your content should be credible. Because understand, क्यों कोई आपकी content को पढ़ेगा, कोई क्यों आपकी content पे trust करेगा? So आइए जानते हैं इस podcast में how you can start your content writing journey, how you can make your content credible, how you can get clients. तो आज के इस podcast की guest हैं Miss Riya. She is a founder of Subscriberly, which is featured on Forbes 2020. She is having 4+ years of SEO-based content writing, and she has also featured more than 70+ global newspapers. So, आइए जानते हैं content के बारे में. How you can start your journey? आप अपने content को एक scale कैसे कर सकते हैं? आप अपने content में SEO कैसे लगा सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं. Hello, Riya. How are you? Hi Rajan, I'm all good and thank you for inviting me today. It's my pleasure to be here. It's my pleasure to have you here. So, आज हम बात करने वाले हैं content writing के बारे में. कैसे हम content writing journey start कर सकते हैं? उसके क्या-क्या integral points होते हैं? क्या-क्या हमें ध्यान में रखनी चाहिए? हम कैसे उसको एक next level पर लेके जा सकते हैं? हम अपने content को viral कैसे कर सकते हैं? और इस cutthroat competition में हम अपने content को एक unique stand कैसे दे सकते हैं? तो सबसे पहले आइए जानते हैं आपके बारे में कि आपका जर्नी कैसा था बचपन से लेकर अभी तक और आपका एक्सपीरियंस कैसा था बीइंग एन इंजीनियर टू अ कंटेंट राइटर. सो एक कैसा शिफ्ट था और आपकी जर्नी अब तक की कैसी रही? मेरी जर्नी अब तक की ऑब्वियसली ऐसी बम्पी थी, स्मूथ तो थी नहीं, किसी की भी नहीं होती. मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग करी, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कंटेंट राइटर या कुछ ऐसे बन जाऊंगी आगे जाके. वो जैसे आजू बाजू के लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो, नॉर्मल आईटी जॉब करो, शादी करो, हो गई जिंदगी सेट. दिमाग में वैसे ही था कि चलो इंजीनियरिंग के बाद आईटी कर लेंगे. बट इंजीनियरिंग के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एमबीए कर ले, क्योंकि मेरे को फ्रेंकली इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था टेक्निकल चीजों में. तो मैंने मास्टर्स किया. मास्टर्स के टाइम पे एक्चुअली क्या ना, मेरे को 9th स्टैंडर्ड से वो एक लिखने का शौक बन गया था. तो आई यूज टू राइट अ लॉट, नॉट ओनली एसेज, जैसे दिमाग में कुछ आ जाए, एक जर्नल मेंटेन करती थी, लिखती थी. बट धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हो गई इंजीनियरिंग और इस सब के चक्कर में वो छूट गया. तो मेरे मास्टर्स के टाइम पे जब असाइनमेंट्स करनी पड़ रही थी, मैं सिंगापुर में थी, तो तब आई वेंट बैक टू द टाइम वेर आई यूज टू राइट अ लॉट एंड आई रियलाइज्ड यस, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड आई कैन डू माई असाइनमेंट्स रियली वेल. और ये रिसर्च करना, फिर वो लिखना असाइनमेंट, तो वो सब मैंने कर कुरा के आई एंडेड अप माई मास्टर्स विद फ्लाइंग कलर्स. फिर भी सोचा नहीं था कि राइटर बन जाए. वो हॉबी थी, मैंने वो लिखना अपना रखा था वैसे का वैसे ही. जर्नल फिर से मैं मेंटेन करने लगी थी. बट 2019 में हुआ ऐसे कि मैंने अपनी सिंगापुर की जर्नी के बारे में लिखा, एक अच्छा खासा आर्टिकल लिखा और लिंक्डइन पे डाल दिया. जस्ट ऐसे ही डाल दिया, कोई इंटेंशन नहीं था कि उससे कुछ हो जाए, बस अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए डाल दिया. हुआ ऐसे उससे कि एक कंपनी ने अप्रोच किया मुझे और बोला कि आप बहुत अच्छा लिखती है वाकई में, हम आपको थोड़ा बहुत राइटिंग के बारे में सिखाएंगे, कुछ आप यूट्यूब से सीख दो. स्टार्टअप ही थी बकायदा, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई तो कर सकते हैं, क्योंकि हॉबी तो है ही अपनी राइटिंग. तो लिखना मैंने उनके लिए शुरू कर दिया. धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि यस, दिस इज समथिंग व्हिच आई एम रियली एंजॉयिंग अ लॉट मोर देन द 9-to-5 जॉब. सो आई थॉट व्हाई नॉट आई जस्ट डू दिस. एक्चुअली जॉब मैंने पहले क्विट कर दिया था, आई वाज हेल्पिंग माय डैड इन हिज कंसल्टेंसी, बट फिर भी वो थोड़ा टेक्निकल हो रहा था और मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था. तो मैंने यूट्यूब या फिर कोर्सेरा, यूडेमी से छोटे छोटे कोर्सेस कर करा के, गूगल तो आज कल सभी यूज करते हैं, गूगल से ऐसे मैंने बहुत कुछ सीखा, एसईओ के बारे में सीखा. फिर जिंदगी में ना सबको मेंटर होना चाहिए, बिकॉज दे डू गाइड यू रियली वेल. तो आई हैड अ वर्ड विद माय मेंटर बैक इन सिंगापुर एंड ही गाइडेड मी, ही कनेक्टेड मी विद फ्यू पीपल. आई हैड अ वर्ड विद देम कि कैसे क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि कैसा है ना, अगर आप बोल दो कि मुझे कंटेंट राइटर बनना है, ऐसा नहीं हो सकता कि उठो कुछ भी लिखो, यहाँ वहाँ से पढ़ वढ़ के लिखो, ऐसा नहीं होता. वो अंदर से आना चाहिए लिखने का, तो ही वो कंटेंट कहला सकते हैं हम, क्योंकि कॉपी तो कोई भी कर सकता है, राइट?
एक जगह से लेके, तो मैं सीखी SEO क्या होता है, मेटा टैग, मेटा टाइटल, टाइटल जो कुछ भी उसके फ्रेजेस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, सब कुछ मैंने सीखा. वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई तो मैंने सोचा सिर्फ एक कंपनी के लिए क्यों करना है, और भी लोगों को लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करते हैं. अप्रोच किया, कनाडा से क्लाइंट आ गए, सिंगापुर से आ गए, तो बस मेरी एज अ कंटेंट राइटर जर्नी स्टार्ट हो गई. वो मुझे तब मिला जब मैंने 27 अप्रैल 2020 को स्क्राइबली इस्टेब्लिश करी मेरी फॉर्म. पहले तो सिर्फ मैं कॉन्टेंट राइटिंग कर रही थी, बट सोचा कि अंडर वन अम्ब्रेला इफ आई गिव ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर वेबसाइट सर्विसेज या फिर समथिंग मोर रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, इट वुड बी बेटर, ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल सकता है. वो मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे आई स्टार्टेड ग्रास्पिंग मोर क्लाइंट्स, ट्रैक्शन आने लगा. बट सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन तब आया जब अक्टूबर 2020 में फोर्ब्स का मुझे कॉल आया था. बचपन से मैंने सोचा भी नहीं था कि किसी न्यूज़पेपर में भी नाम आएगा, तो पहले तो मैं थोड़ा सा शॉक थी कि सच में फोर्ब्स से है या नहीं, बट हाँ आ गया. एंड बस उन्होंने मेरी स्टोरी पब्लिश कर दी एंड वहाँ से वो कहता है ना स्टेपिंग स्टोन एक मिल जाता है आपको, तो वो मेरे लाइफ एक स्टेपिंग स्टोन था एंड बस चल दिए वहां से और आज है हम आपके सामने यहाँ पे. ओके, व्हाट अ जर्नी यार, इट्स रियली रियली इंस्पायरिंग. सो जैसे बचपन में हम सबका एक ड्रीम होता है ना कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता है. तो आपके क्या ड्रीम्स थे, जैसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या आपने 10th 12th के बाद चूज किया कि चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है? नहीं नहीं वैसे तो बहुत स्टार्टिंग में देखा जाए तो 5th 6th स्टैंडर्ड में मुझे फैशन डिजाइनर बनना था. वो मूवीज वूवीज देख के थोड़ा सा इंस्पायर हो गई थी. बट जैसे 8th 9th में लिखने लगी, मतलब ऐसे ही हो गया, इट जस्ट हैपेंड कि मैं लिखने लगी. खुद से कविताएं बनाती थी, स्कूल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में भाग लेने लगी, उसमें अच्छा खासा हो गया. तब मैंने सोचा क्यों ना जर्नलिस्ट बन जाऊं, सकती हूँ, रिसर्च का भी शौक है, तो वो करना था मुझे. एंड मुझे मास कम्युनिकेशन करना था एक्चुअली. बट हुआ ऐसे कि वो अपना ना एक माइंडसेट होता है आई थिंक बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड अस, अपनी सोसाइटी की वजह से, कि इंजीनियर डॉक्टर बनो तो ही इज्जत मिलेगी सोसाइटी में, तो एक वो माइंडसेट होता है. तो मैंने सोचा कि सब मेरे फ्रेंड्स भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी इंजीनियरिंग कर लेती हूँ. और उस वक्त तो इतना कहा, मतलब वो दिमाग में नहीं आया था कि ऐसे कुछ अलग फील्ड भी हो सकता है. कोई गाइड करने वाला नहीं होता, और जो भी आसपास के लोग होते हैं ना, वही डॉक्टर या इंजीनियर में घूमे पड़े होते हैं, बस उन्होंने उतना देखा ही होता है. और उनके और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो हमें बताते नहीं, उनके पास भी नॉलेज नहीं है कि और भी फील्ड है, और भी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, और भी चीजें आप कर सकते हैं. बहुत बहुत सी. आजकल तो मैं जो 10th या 9th में बच्चे उनको तो कहती हूँ क्या तुम लोग एक्सप्लोर करो, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करो उतने अलग अलग आपको करियर के वो मिल जाएंगे. जैसे कि अभी तो डॉक्टर इंजीनियर तो आजकल सब बन ही रहे, मतलब क्रिएटिविटी में इतना स्कोप है आजकल. ग्राफिक डिजाइनिंग मान लो या फिर ज्वेलरी डिजाइनिंग, इतना मतलब अलग अलग इतना है ना, हम लोगों को 5% भी पता नहीं कि क्या क्या करियर है. तो बस पता है अभी एक महीने पहले मैं एक यूनिवर्सिटी में पब्लिक स्पीकिंग का सेशन ले रहा था, तो वहाँ पे 9th 10th के भी बच्चे थे आए हुए उस वेबिनार सेमिनार में. तो उन्होंने बोला कि सर पता है हमारी उम्र बहुत निकल गई है, मेरे पास ये करने की अपॉर्चुनिटी थी, 2 साल पहले मैं ये कर लिया होता, 3 साल पहले से मैं कर रहा था तो मैं कहीं और होता. वो उनके पास बहुत सारे आइडियाज थे, उन्हें लग रहा था कि वो लेट हो रहे हैं अपनी जिंदगी में. बट यार कि अभी ना लोगों के पास कितना गाइडेंस आ चुका है, लोगों के पास अवेयरनेस कितनी आ चुकी है कि यार आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत चीजें आप कर सकते हो, बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो. सो एक चीज आप हम अपने आप को एक ब्लेस्ड मान सकते हैं कि अभी भी जो हम कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अभी जिनको पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, उनके पास टैलेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए, बट उन्हें बताने वाला कोई नहीं है, एक गाइड नहीं है, एक मेंटर नहीं है क्या. एक एक बात बताओ यहाँ पे राजन जी, एक्चुअली कैसा है ना, हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान है. बात सिर्फ इतनी है कि वो ढूंढना चाहिए खुद को. जैसे कि मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैंने ढूंढ लिया कि राइटिंग मेरा पैशन है जो मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ,
जिससे मैं लोगों तक कुछ पहुंचा सकती हूँ, लोगों के चेहरे पे खुशी दे सकती हूँ। इसलिए हर एक इंसान ऐसा कर सकता है। पता नहीं कोई ऐसा हो जो एक्टिंग में अच्छा हो बट उसको पता नहीं है डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा हो एब्सोल्युटली कि जो इंजीनियर बनना चाहता है बट इंजीनियरिंग कर रहा हो। तो इट्स जस्ट लाइक टैलेंट हर एक के पास होता है, यू जस्ट नीड टू फाइंड इट, जस्ट नर्चर इट कि एग्जैक्टली आपको किस चीज में खुशी है। और अगर आपको लगे कि ये हॉबी तक सही है, ऐसा नहीं है, उस हॉबी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, जरूर कन्वर्ट कर सकते हो। एंड ऐसा है ना, जो मैंने सीखा है कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन अराउंड यू, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी हैप्पी। अगर आप अंदर से हैप्पी रहोगे तो ही यू कैन गिव हैप्पीनेस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड यू। सो वो तो एब्सोल्युटली है। पता है सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम अपने आप को ना एक्सप्लोर करने का वक्त नहीं देते। हमें जो भी चीज चाहिए होती है ना, बहुत जल्दी चाहिए होती है, क्विक रिजल्ट। और जो भी बड़ी चीजें हम लाइफ में पाते हैं ना, या जैसे हम खाना बनाने का एग्जाम्पल लें, कोई भी चीज जल्दी जल्दी बनाएंगे ना तो वो उतना टेस्टी या उतना हेल्दी नहीं बनता। वी हैव टू नो बिल्कुल गिव टाइम, वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट, एंड वी हैव टू एक्सप्लोर कि हम क्या अच्छा बना सकते हैं या क्या अच्छा कर सकते हैं। सो हमें इंस्टेड ऑफ कि यार हम यही चीज करेंगे, बस एक चीज को पकड़ के बैठना नहीं है। अगर इफ वी आर इन 20s तो हमें एक्सप्लोर करने की, चलो ये भी देखते हैं वो भी देखते हैं, बट जिस चीज में हम अच्छे हैं, जिस चीज को अच्छे से कर पाते हैं, वी हैव टू गिव मोर टाइम टू दैट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसे भी आप मार्केट में देखो कि कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है, जैसे हम रेड ओशियन बोल सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्टेंट राइटर आ चुके हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो कितना माइंडफुल डिसीजन होगा कि हम एक कंटेंट राइटर बने, अपनी कंटेंट राइटिंग में एक जर्नी स्टार्ट करें। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है। ऐसा है ना कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, बट मैंने खुद देखा है कि आधे से ज्यादा राइटर्स जो है आजकल मार्केट में, वो बस कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ से उठाओ, वहां पे पेस्ट कर दो, थोड़ा बहुत लाइनें चाहिए ऊपर नीचे कर दो, वैसे करते हैं। एंड वॉट डे डू इज, इसके लिए सपोज इसके लिए वो चार्ज कर रहे हैं 10 रुपए, और बकायदा मेरे जैसे है जो हम मन लगा के काम करते हैं, जो चेक करते हैं सिमिलैरिटी परसेंटेज कितनी है, 0% है तो ही मन करता है ना कि हाँ क्लाइंट को भेज दूं, क्योंकि इफ आई एम चार्जिंग देम तो ऑब्वियसली इसे करके तो नहीं हो सकता। तो वैसे थोड़ा सा मतलब चल रहा है, बट बीइंग अ राइटर आई वुड से इट इज डेफिनेटली नॉट इजी। अगर आपका पैशन है, सच में लिखने का शौक रखते हो, तो ही आप इस फील्ड में हो। नॉट लोग क्या करते हैं, हाँ राइटर बन जाऊंगी तो मैं कमा लूंगी, कुछ भी तो लिख के देना है, ऐसे करते हैं लोग, मैंने खुद देखा है ये। तो ना मतलब ना करे तो बेटर है। मतलब मेरा ऐसा मानना है ना कि पैसे के पीछे मत भागो, जो आपको पसंद है उस चीज के भागो, उस चीज के पीछे भागो, पैसा आ जाएगा। एब्सोल्युटली अगर हमें उसके लिए पैसे ना मिले, या वो हमारे अंदर से आ रहा है कि हमें करना चाहिए यार, उसको हम बड़े बेस्ट तरीके से करते हैं। जैसे हमें खेलना होता है ना, हम पूरे मन से खेलते हैं, पूरे दम लगा के, क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, बट वही बात आती है पढ़ाई करने की, किताब खोलने की। आप एक लाइन किताब में देख रहे हो, दूसरा फोन देख रहे हो। सो इट इज नॉट अबाउट कि यार वो अंदर से आ रहा पढ़ने के लिए। वही अगर कोई इंटरेस्टिंग बुक मिल जाए जो उसमें अच्छी अच्छी कहानियां लिखी है, आप उसे एक बार में पूरी किताब आप खत्म कर दोगे। सो इट इज नॉट अबाउट कि वही आपको करना है, इट इज अबाउट कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपके अंदर से वो आ रहा है या नहीं, आप क्या करना चाहते हो, क्यों लिखना है, ये आपके मन में क्लियर होना चाहिए। आपका पर्पस शुड बी वेरी क्लियर, देन यू शुड गो अबाउट दैट। अगर मन हो तो ही राइटिंग के इसमें आ जाओ। देखो कंपटीशन तो है ही, अब किसी भी फील्ड में चले जाओ, शेफ बनो, डिजाइनर बनो, कुछ भी बनो, कंपटीशन तो है ही है। बट एट द एंड ऑफ द डे कैसा होता है, सुकून की नींद आनी चाहिए। अगर मुझे पता है कि आज मैं कॉपी करके किसी को कुछ बेच रही हूँ एंड पैसा कमा रही हूँ, ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे आई एम नॉट गोना बी हैप्पी, राइट? कि मैंने कुछ गलत किया, सामने एब्सोल्युटली लगता रहा, वो फीलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर मुझे या किसी व्यक्ति को कंटेंट राइटिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगी कि हमें पहला ये चूज करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, तो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे हम एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं? तो अगर आपको सच में राइटिंग का शौक है, पहली चीज, तो ही आप इस फील्ड में आना। देखो कैसा है ना, अगर मैं चाहती हूँ तो मैं कल को मान लो शेफ भी बन सकती हूँ, बट उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी काफी। तो अगर आप मेहनत, अगर आपको राइटर बनना है, मेहनत आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आ जाओ,
कंपटीशन बकायदा बहुत अच्छे हो, बट अगर इफ यू आर यूनिक, इफ यू आर गोइंग टू गिव द बेस्ट कंटेंट टू द क्लाइंट, ऑब्वियसली क्लाइंट खुद से आएंगे आपके पास, वर्ड ऑफ माउथ से आएंगे, फिर तो आपको मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी खुद की. तो अब इसका कैसे होता है, इसमें भी ना काफी कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं राइटिंग में, जैसे कि एक SEO हो गया, सुना होगा आजकल सबने सुना है, ऑप्टिमाइजेशन एक होता है, फिर कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसा बहुत कुछ होता है. तो जैसे आप आओगे जस्ट कोई तो एक कोच या मेंटर खुद के लिए रख लो जो कंटेंट राइटिंग में अच्छा कर रहा हो उस फील्ड में. बहुत है, मतलब मैं खुद के बारे में नहीं कहूँ, मैं तो कोई भी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर लॉट इन द मार्केट, सो चूज वन, टेक देयर गाइडेंस, स्टार्ट राइटिंग. पहले पहले आपको एक डेढ़ महीना यू जस्ट नीड टू राइट एंड पब्लिश योर आर्टिकल्स ऑन योर ओन, लिंक्डइन पे करो या फिर और भी थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म्स है वहां पे पब्लिश करो. कैसे होता है वहां पे पब्लिश करने के बाद लोगों को पता चलता है कि हाँ ये लिखता है, अच्छा लिखता है, इसने ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, तो जो कुछ भी है आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने लिखा, पब्लिश किया. और सिर्फ पब्लिश करने के बाद सपोज मान लो कि आप ही को राजन जी बनना है और यू आर नॉट इनटू अ टेक्निकल थिंग्स, सो डोंट चूज एनी टेक्निकल टॉपिक, तो चूज योर नीच कि आप किस में अच्छा कर सकते हो. अगर आप में अच्छा कर सकते हो, चूज दैट टॉपिक. अगर आप मान लो सप्लाई चेन में कर सकते हो, चूज दैट टॉपिक. एक टॉपिक को लेके, मतलब टू स्टार्ट विद, एक टॉपिक को ले लो, उसके पढ़ो, उसके ऊपर आर्टिकल्स खुद से बनाओ. मान लो 400-500 वर्ड्स की है, खुद से बनाओ, लिंक्डइन पे डालो, इधर उधर अलग प्लेटफॉर्म्स पे डालो. तो एक डेढ़ महीना करने के बाद मेक योर प्रोफाइल अ बिट स्ट्रॉन्ग कि हाँ भाई मैंने इतने आर्टिकल्स लिखे हैं. और उसके बाद देन यू स्टार्ट अप्रोचिंग कंपनीज. I would say LinkedIn is the best platform. Yeah. Start approaching companies. तो अब कैसे, जैसे खुद content writing के courses, sorry, courses लेती हूँ, लोगों को सिखाती हूँ कैसे करना है, खुद का brand कैसे establish करना है market में. तो उसमें तो सब कुछ पढ़ाती हूँ कि exactly कैसे करना है, क्या करना है, live examples देती हूँ मेरे सामने, उनसे लिख के लेती हूँ लिखना है क्या लिखना है. फिर ये check वेक कैसे करना है कि grammatical errors है नहीं है, similarity है नहीं है कैसे, तो आर्टिकल कैसे लिखे, सब सब कुछ मैं उसमें सिखाती हूँ. तो एक बार आप पब्लिश करते हो, उसके बाद एक डेढ़ महीना ऐसे करते रहो, फिर उसके बाद यू कैन अप्रोच पीपल. जब लोगों को अप्रोच करोगे, यू शुड हैव योर रेज्यूमे रेडी विथ योर कवर लेटर. कवर लेटर में आपको लिखना है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद दैट फर्म एज अ राइटर, या इफ यू आर इन फ्रीलांस, इफ यू आर अ फ्रीलांस राइटर, देन व्हाई डू यू विश टू गिव योर सर्विसेज टू एक्स वाई जेड फर्म. सो यू नीड टू हैव योर कवर लेटर रेडी. कवर लेटर लिखना भी एक आर्ट होता है, तो वो आप वो आपके जो सैंपल्स है जो आपने लिंक्डइन पे शेयर किए या फिर और मीडिया में प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किए, उसके लिंक्स शेयर करो आप मेल में, तो मेल भी अच्छी तरह से, एंड फिर ऐसे करके अप्रोच करते हैं क्लाइंट्स को. एंड अप्रोच करने के बाद आई वुड से टू स्टार्ट विद, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 1,000 words के लिए 5,000-6,000 rupees मिल जाएंगे. स्टार्ट स्मॉल एंड start with one thing. As I said, supply chain liya to start only with blogs first. Okay. Fir ek bar confident, fir uske baad you learn about website content, you learn about what are snippets, you learn about one liners kaise banate hain, taglines kaise hoti hai, alag alag tarah ke content, script writing kaise hoti hai. So sab kuch to wo kehte na ek time pe do nishan nahi lagane chahiye, ek time pe ek hi sahi hai. तो वैसे करके यू कैन ऑल्सो बी एनी वन कैन बी अ राइटर, उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है. बट पैशन ना भी हो तो भी यू शुड हैव दैट मोटिवेशन कि हाँ मैं करूंगा और ये करूंगी ऐसे. तो कंटेंट राइटिंग में क्या क्या वो स्किल रिक्वायरमेंट होते हैं या क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है? ओके, दो थिंग्स काफी इंपॉर्टेंट होती है, आर क्रिएटिविटी एंड पेशेंस. तो क्रिएटिविटी इसलिए क्योंकि अगर आपको कंटेंट डिलीवर करना है ना, तो ऐसे नहीं हो सकता कि 5 articles पढ़ लिए, कुछ खुद से लिख दिया. नहीं, अगर उस क्लाइंट के रिक्वायरमेंट का है, उस क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैसे ड्राफ्ट करते हो, उसके लिए यू शुड हैव अ क्रिएटिव माइंड. अब जैसे कि
जब भी मैं लिखती हूँ क्लाइंट के लिए कुछ भी कंटेंट हो, आई फर्स्ट स्टडी देयर बैकग्राउंड कि किस चीज़ में कंपनी क्या है, थोड़ा बहुत रिसर्च करके फिर सिमिलैरिटी क्या मैं कर सकती हूँ, मतलब सिमिलर आर्टिकल कैसे लिख सकती हूँ जो उनके वेबसाइट पे जचेगा. तो वैसे वो क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी होता है. कभी कभार बीच में टैग लाइन डाल दो या कभी कभार कुछ तो फ्रेज डाल दो, ऐसे भी करना पड़ता है. तो वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग बीइंग एन राइटर इज पेशेंस. तो ऐसे नहीं होता मैंने सोच लिया हाँ चलो अभी बैठ के मैं काम करती हूँ, ऐसे नहीं होता. जब तक वो चीज़, मतलब ऐसे काफी बार मेरे साथ भी होता है कि मैं खाना खा रही हूँ, ऐसे होता है कि ओ शिट अभी याद आया, खाना ना रख के लैपटॉप लेके मैं लिखने बैठ गई, तो लिखते लिखते बस हो गया आर्टिकल कंप्लीट. तो दिमाग में आता है तो हो जाता है, ऐसे नहीं. मतलब काफी बार ऐसे भी होता है मैं 2-3 घंटा लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ क्या लिख सकती हूँ इसके लिए, लिख रही हूँ डिलीट कर रही हूँ, लिख रही हूँ डिलीट कर रही हूँ, हो ही नहीं पा रहा है. एंड अचानक से मैं सोने गई एंड याद आया. तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि रात को मैं 11 बजे लिखने बैठ गई एंड सुबह 5 बजे तक काम कर रही हूँ. तो वो चीज है. बिकॉज़ क्या होता है ना कि जब हम कोई भी आइडिया अपने माइंड को देते हैं ना, तो वो प्रोसेस बैकएंड में भी होता रहता है। जैसे बहुत टाइम मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो बनाने के लिए टॉपिक्स लिख रहा होता हूँ तो मेरे पास आते नहीं आइडियाज, और जब मैं सोने लगता हूँ तो आइडिया था यार इस पे बना सकते हैं, इस पे बहुत अच्छा मैं बोल सकता हूँ, इस पे बहुत सारे अच्छे आइडियाज हैं, मेरा पर्सपेक्टिव मैं ऐड कर सकता हूँ। और क्या करता हूँ मैं, अगर सो भी रहा हूँ ना, तो मोबाइल में मैंने रिकॉर्डर ऑन किया और मैं वहां पे जो 2-4 लाइन मेन मेन पॉइंट्स मैंने बोल दिए और नेक्स्ट डे उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका आइडिया तुरंत नोट आपने कर लिया और उसको आप अगले दिन भूलोगे भी जी नहीं, और अच्छे से एक्सप्लेन करके आप अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हो। ओके, तो आपने भी जैसे बोला कि आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपका एक अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए, थॉट्स होना चाहिए, उसमें पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो कैसे हम डिसाइड करें कि क्या लिखें और क्या नहीं, बिकॉज हम कुछ भी नहीं लिख सकते, जैसे आपने बोला कुछ भी नहीं इधर से उधर उठा सकते, तो लिखे क्या और क्या नहीं लिखे, कैसे डिसाइड करें इसे। ये तो क्लाइंट पे होता है ना, क्लाइंट को क्या चाहिए, ओके, क्या सो रिक्वायरमेंट है. मान लेते हैं अगर हमें खुद लिखना है, अगर हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर लो, तो कैसे किसी भी चीज के बारे में लिखना शुरू करें। तो अब जैसे कि जब मैंने वो सिंगापुर का आर्टिकल लिखा, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था राइटिंग वाइटिंग का. मैंने वो इसलिए लिखा कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सिंगापुर, उसका हर एक एरिया जो कुछ भी हो मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ. कि अगर आप टूरिस्ट हो, अगर आप जाए तो मेरा आर्टिकल पढ़ के आप जाए तो आपको पता चलेगा कि कैसे है, क्या है, कौन से इसमें शॉपिंग करनी चाहिए, कौन से इसमें क्या करना चाहिए. तो एक टॉपिक लो जो आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, रेसिंग कार हो सकती है, बॉलीवुड हो सकता है, पेट्स हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, जो आपके बहुत बहुत जिगर का टॉपिक है वो टॉपिक ले लो. उसके ऊपर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कुछ भी, बिकॉज यू नो व्हाट यू वांट टू राइट. ठीक है, अगर आपको आपकी खुद की स्टोरी नहीं है, आपको पता है बिकॉज यू हैव बीन थ्रू इट. तो बैठो, आपको जो पहले फर्स्ट ड्राफ्ट तो ऐसा होता है ना, आपको जो दिमाग में आता है सिर्फ वो, मतलब उतारो लैपटॉप पे या फिर जर्नल में लिख रहे हो तो जर्नल में उतारो. एंड उसके बाद जब आपको लगेगा कि कंप्लीट हो गया है सब कुछ लिखना, यू गो थ्रू इट. फिर आपको आएगा नहीं यार यहाँ पे ये भी मैं ऐड कर सकती हूँ, यहाँ पे वो कम कर सकती हूँ, यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मैं वर्ड स्विच कर सकती हूँ. तो वो वैसे अपने आप होता है. एंड यू कैन देन कंप्लीट योर स्टोरी. तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत रिसर्च करना पड़ता है टू टू राइट योर फर्स्ट आर्टिकल. योर फर्स्ट आर्टिकल शुड ऑलवेज बी द थिंग विच यू रियली लव, द थिंग विच फैसिनेट्स यू. वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि वो कैसा होता है रजन जी, अगर एक चीज़ है जो आपको बहुत फैसिनेट करती है, मान लो कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ट्रैवल के बारे में भी काफ़ी लिखा है, बकायदा ज़्यादा पब्लिश नहीं किया मैंने. तो मैं जहाँ गई हूँ उसका नज़ारा हो या कुछ भी हो, मेरी ट्रेन राइड हो, कुछ भी हो. तो जैसे आपके केस में कुछ अलग हो सकता है. सी, अपन दोनों की जर्नी सेम तो होने वाली है नहीं. यू हैव बीन थ्रू योर ओन जर्नी एंड एवरी वन कैन डिस्क्राइब देयर ओन जर्नी इन देयर ओन वर्ड्स, एंड उसी का वो मज़ा होता है. आपकी जर्नी अगर मैं कहूँ कि मैं लिख देती हूँ, अगर मैं लिख भी दूँ तो उसमें उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप खुद फील नहीं लिखोगे तो आएगा। आएगा. हाँ, एब्सोल्युटली। तो
आपके खुद के जर्नी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, आपका बचपन हो या किसी फैमिली मेंबर के साथ बॉन्डिंग हो, कुछ भी हो, राइट ऑन दैट. एंड वो अंदर से आ जाता है, अगर ये सबको पसंद है ना तो वो आ जाती है अंदर से, एंड देन यू कैन जस्ट राइट. Yeah. So because you know, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारा स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक हैबिट बिल्ड करना होता है स्टार्टिंग में कि हमें लिखने की आदत, क्योंकि इससे ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना अच्छा लिख पाते हो, जब तक आप लिखोगे नहीं आप अच्छे हो नहीं सकते. सो इट इज अबाउट कि आपको जी उसमें सॉरी मैंने इंटरप्ट किया आपको, इसमें एक चीज है कि स्टार्ट करो, यू शुड स्टार्ट समवेयर. अगर आप पास में अरे काश मैंने उस वक्त लिखा होता या फिर मैं चार दिन बाद लिखूंगा, ऐसे नहीं होता. लिव इन प्रेजेंट, स्टार्ट इन प्रेजेंट. आपको लगेगा कर दो बस खत्म, आगे के रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा सोचो मत. सो मेरा तो यही कहना होगा. ओके सो जब हमने लिखना स्टार्ट कर दिया तो कैसे हम डिसाइड करें कि ये आर्टिकल अच्छा है या ये कॉन्टेंट अच्छा है? अगर उसके कॉम्पोनेंट्स की बात करें, इंटीग्रल कॉम्पोनेंट्स की, तो वो क्या क्या हो सकते हैं? अब आर्टिकल अच्छा है या बुरा, अगर आप खुद के लिए लिख रहे हो तो खुद ही डिसाइड कर सकते हो अच्छा है या बुरा, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो आर्टिकल के साथ. क्योंकि कैसे होता है, जब मैंने फर्स्ट स्टोरी लिखी थी सिंगापुर वाली, तो मैंने काफी उसको प्रेम, मतलब बहुत 3-4 ड्राफ्ट्स के बाद देन आई वाज हैप्पी विद इट कि हाँ चलो अब सबसे अब मैं पब्लिश कर सकती हूँ ये स्टोरी. तो इंटरनल कॉन्फिडेंस बोलोगे आप, तो एक तो ऑब्वियसली इंग्लिश का ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से टेंस में लिख रहे हो, कौन से फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हो, सेकेंड या थर्ड पर्सन में लिख रहे हो. तो आई वुड सजेस्ट कि खुद की स्टोरी लिख रहे हो तो फर्स्ट पर्सन में ही लिखो. के बाद एज आई सेड टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर. फ्यूचर तो नहीं हो सकता ज्यादा ऑब्वियसली, तो आपको जिस टेंस में लिखना है वो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. छोटे छोटे बातें होती है जैसे कि फुल स्टॉप लगाना, कॉमा, कभी कॉमा इधर का उधर हो जाए तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है. तो वो चीज होती है. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर आप कह सकते हो. अब जैसे कि अगर आप लिख रहे हो एंड आपको आपके लाइन में प्रिंसिपल आ रहा है, तो PLE है या PAL है, कौन सा वाला प्रिंसिपल लिखना है. वेदर है तो WEATHER लिखना है या WHE वाला लिखना है, तो कौन सा वाला. तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का होता है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है देखना. इसके साथ एक दो चीज और, जैसे आप अपनी स्टोरी लिख सकते हो, स्टोरी आप खुद के बारे में आप लिखो, उसके बारे में स्टोरी बताओ, और सबसे बेस्ट चीज क्या है स्टोरी के बारे में कि लोग इमेजिन कर सकते हैं. जैसे जैसे आपने लिखा ना, लोगों के दिमाग में एक इमेज बनता है कि यार ऐसा होगा, वहां जाएंगे तो ये पार्क यहाँ आएगा, यहाँ वाटरफॉल होगा. सो यू जस्ट हैव टू राइट इन अ वे दैट समबडी कैन इमेजिन और सी विजुअली, यू नो, इन इमेजिनेशन. और दूसरी चीज की आप जो भी लिखो उसको एक सीक्वेंस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि आप लिख तो रहे बहुत अच्छा, बट आपका सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे हो गया सो इट विल नॉट बी गोना टू वर्थ इट, और समबडी कैन नॉट रिलेट विद दैट. सो इट इज वेरी सिंपल. एंड रही बात ग्रामर की, दैट इज फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन ग्रामर. So that is really important. जब भी आप कुछ भी लिख रहे हो, आर्टिकल, ब्लॉग, किसी के लिए, क्लाइंट के लिए, खुद के लिए, मेक श्योर कि एक जो पैराग्राफ होता है वो 3-4 लाइन का ही हो. क्योंकि कैसा होता है, बड़ा पैराग्राफ देख के ना सामने वाले को मौत ही आ जाती है, इतना कौन पढ़ेगा, ऐसे होता है. तो जितना छोटा हो गए तो उतना ज्यादा पढ़ने का मन करता है सामने वाले का. तो ये एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी. तो राइटिंग में भी ना ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा पता होना इम्पोर्टेंट होता है कि क्या पहले क्या चीज लिखे जो इंटरेस्ट बना रखे, बीच में क्या चीज रखे और एंड में क्या चीज रखे. तो थोड़ा सा वैसे करके लिखना होता है. सो इट डिपेंड्स विद द ह्यूमन साइकोलॉजी. ओके सो इफ वी हैव टू राइट आवर कंटेंट, सो अगर हम उसे कंटेंट को क्रेडिबल बनाने, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह के कंटेंट लिखते हैं, एक ही टॉपिक पे आपको बहुत सारे थॉट्स मिल जाएंगे, बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे, बट अगर हमें लिखना है कंटेंट तो हम अपना कंटेंट कैसे, किस पर्सपेक्टिव में लिखें कि वो एक क्रेडिबल भी शो, या उसे हम क्रेडिबल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी राइटिंग में या किसी भी वीडियो के लिए, कि आप जो कंटेंट दे रहे हो उसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, कैसे हम उस पर ट्रस्ट जनरेट कर सकते हैं. तो जब भी आप लिख रहे हो पहले तो हेडिंग,
अगर आप हेडिंग ढंग का डालोगे जो लोगों को इम्प्रेस करेगा कि अरे वाह ये कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो लोग ऑब्वियसली आगे पढ़ेंगे. अगर हेडिंग का नहीं लगा तो लोग पढ़ने वाले नहीं आगे. तो क्रेडिबिलिटी के बारे में आप जो कह रहे हो, अगेन इट डिफर्स फ्रॉम राइटर टू राइटर कि आप कैसे लिखते हो, सामने वाले को क्या पसंद है. एज आई सेड, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो थोड़ा सा आप वो स्टडी करके, डिपेंडिंग आप कौन से टॉपिक पे लिख रहे हो, तो आगे वाले को तो हमेशा रीडर के प्रस्पेक्टिव से सोच के लिखो. तो बी द थर्ड पर्सन एंड जस्ट सी कि अगर मैं ये पढ़ रहा होता तो क्या मैं पूरा पढ़ता ये. अगर आंसर हाँ तो आप सही जा रहे हो. अगर खुद को ही लग रहा है अरे यार मुझे बोर लग रहा है आगे, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली तो क्रेडिबल है ही नहीं आपका खुद का आर्टिकल. वो फील होना चाहिए ना कि आपने जो लिखा है वो आपके अपनी लाइफ से रिलेटेड लिखा है, या आप उसको ट्रस्ट करते हो, खुद ट्रस्ट करते हो। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर दूसरा और क्यों करेगा। सो इट इज वही तो रियली सेंसिंग, एंड यू नो उसको ट्रस्टफुल बनाने के लिए या ट्रस्ट वर्दी बनाने के लिए स्टोरीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। आप अगर कहीं से ट्रस्ट, जो जैसे जिस भी वेबसाइट्स का या जिस भी यू नो चैनल का ट्रस्ट है, वहां से आप कंटेंट ले सकते हो, उनको क्रेडिट देके आप वहां से शो कर सकते हो, ताकि लोगों पे आप ट्रस्ट जनरेट कर सको, लोगों पे आप भरोसा दिला सको कि यार जो मैंने लिखा है मैंने कहीं से जो अगर लिया भी है तो वो ट्रस्ट वर्दी जगह से ही लिया है, राइट? बिकॉज यू नो जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम पे कोई कौन ट्रस्ट करे, क्योंकि हमें कोई जानता नहीं है। जब हम एक अथॉरिटी होते हैं देन वी आर यू नो सम एनीबडी कैन ट्रस्ट अस। ओके आप सही कह रहे हो. ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने पहला आर्टिकल पब्लिश कर दिया और मैं फेमस हो गई. मेरी भी जर्नी काफी लॉन्ग रही है. अब जैसे कि 4 साल पहले मैंने किया था, फिर आगे जाके मैं मुझे वो ट्रैक्शन मिला, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी. तो नथिंग कम्स इजी, राइट? तो आप राइटर बनो या आप एडिटर बनो, कुछ भी बनो, यू हैव टू स्ट्राइव हार्ड, वो तो है ही. सो हाउ कंटेंट राइटिंग चेंज योर लाइफ, हाउ इज दैट इट चेंज 360 डिग्रीज. अगर आप शिफ्ट? मेरे इर्द गिर्द वाले लोगों से पूछोगे कि मैं 2018 से पहले कैसी थी, रादर हाँ 2018 से पहले कैसी थी और 2018 के बाद कैसी हूँ, सब लोग यही कहेंगे कि मुझे 360 डिग्रीज चेंज आया है, विच इज ऑब्वियसली अ गुड चेंज. पहले मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी, बिल्कुल भी बोलती नहीं थी. अब अभी इतनी बोलने लगी हूँ मैं. ना वो क्या होता है ना, जैसे कॉन्फिडेंस आता है खुद में कि हाँ मैं एक चीज कर सकती हूँ, तो उसके बाद यू यू टेंड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर इजीली, या फिर बहुत अच्छी तरह से आप बोल सकते हो. तो राइटिंग हैज डेफिनेटली चेंज्ड माय लाइफ, डेफिनेटली. मैं प्रोफेशनली नहीं कहूंगी, पर्सनली भी बहुत चेंज किया है मुझे. जैसे कि इस मतलब राइट इतना कुछ पढ़ती हूँ मैं. आप मतलब पहले भी पढ़ती थी, बट अब थोड़ा सा ज्यादा होता है पढ़ना, इतनी चीजें समझ आती है. फिर इस उसकी वजह से मैं खुद को भी ग्रूम कर सकती हूँ. कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मे बी एटलीस्ट आउट ऑफ एवरीवन आई कैन हेल्प वन पर्सन एटलीस्ट टू गिव दैट पर्सन डायरेक्शन कि वो क्या करना चाहते हैं. उसके लिए मैं थोड़ा सा उसको पढ़ाऊँ. तो जैसे कि मैंने कहा कि आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट विद देयर कंटेंट राइटिंग जर्नी, या फिर कोचेस हैं, मेंटर्स हैं, उनके लिए मैं ब्रांड सेटअप करने के लिए हेल्प करती हूँ. तो वैसे ही मतलब ये सब कुछ मुझे राइटिंग की वजह से ही मेरे दिमाग में आया, पढ़ने की वजह से. मैं खुद लिखती हूँ तो काफी कुछ चेंज किया राइटिंग ने. तो अब कह सकती हूँ कि मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है राइटिंग और मेरे प्रोफेशन के साथ, और मैं सब अगर आपको कोई 3 मैसेज देना, कोई 3-4 मैसेज जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे, तो उनके लिए वो क्या होगा? पहला मैसेज है कि पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दे बोथ आर द सुपर पावर्स. पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, कुछ भी आप कर सकते हो, मन में जो कुछ भी आए ना, यू कैन अचीव इट. सेकेंड थिंग इज स्टार्ट इन प्रेजेंट, पास्ट में मत जियो. मैंने
वो नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, लिव इन प्रेजेंट एब्सोल्युटली एंड जस्ट गो फॉर इट, स्टार्ट योर जर्नी. थर्ड थिंग, नेवर जज योर सेल्फ. आप कर सकते हो, अगर आपने कुछ सोचा है लोग क्या कहेंगे, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, सो स्टॉप थिंकिंग कि लोग सोसाइटी क्या कहेंगे. अगर आपको नहीं कि हाँ ये चीज मेरे लिए है, गो फॉर इट. ज्यादा से एंड ऑलवेज थिंक ऑफ वर्स्ट कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा. एक तो फेलियर जैसी कुछ चीज होती है नहीं, जस्ट लेके हाँ मैंने कोशिश की और हो नहीं पाया, ठीक है नहीं हो पाया, इट्स एब्सोल्युटली ओके. सो इट्स ओके, यू जस्ट गो, गेट सेट गो, आई वुड से. एंड मैंने एक एक छोटा सा कोट लिखा है, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ सबको. जैसे मैंने कहा पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर सुपर पावर, तो वैसे ही है कि द मैजिक बिगिंस टू हैपन व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ. सो यू कैन से आप खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हो. जस्ट हैव होप, हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, trust the process, do whatever you want to do, and this is not only related to your profession. Aapko zindagi mein kuch bhi karna hai, just live in present and trust yourself, be positive. wow, matlab ye motivation ka overdose ho gaya. matlab agar jo sach mein ise samajh le na, usko kabhi motivation ki kami nahi hogi jeevan mein. because kya hai na ki hum baat kar rahe hain jis bhi cheez ke bare mein, wo bahut base hai. अगर बेस आपका मजबूत है ना, कि हमें पिछले बार जो भी हुआ उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें बस अपने काम पर फोकस करना, हमें हर एक दिन अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, देन वी विल नेवर फोकस ऑन नेगेटिविटी. बिकॉज नेगेटिविटी तभी आती है ना जब आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे होते, मुझे लगता है. क्योंकि आपके पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि आप ऐसी चीजों पर फोकस कर पाओ जिसका आपकी लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता. जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, मैं हमेशा फोकस करता था कि यार वो मुझे ऐसा बोल रहा है, तुम ऐसा दिख रहे हो, तुम अच्छा नहीं बात कर रहे हो, मैं हमेशा उसी चीज पे फोकस करता था. बट आज का सिनेरियो ये है कि मेरे पास वक्त ही नहीं है सोचने के लिए, मेरे पास इतने सारे काम है, इतनी सारी चीजों पर मुझे वर्क करना है, मैं सोच ही नहीं पाता इतना. भाई अगर मैं उसको सोचूंगा तो मैं अच्छी चीजों के लिए कब वक्त निकालूंगा, कि भाई मुझे अपग्रेड करना है खुद को, मुझे अपने स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा करना है, मुझे राइटिंग स्किल्स को अच्छा करना है, कि मैं बार बार नेगेटिव चीजों को सोचूं कि उसको अच्छा करना है. सो वी हैव टू फिगर दैट आउट कि क्या आप कर रहे हो, उसका आउटकम क्या आ रहा है. इफ यू आर फोकस, देखो एक चीज मैंने पढ़ा था ना कि जहां आप फोकस करते हैं ना वही चीज ग्रो करती है. इफ यू आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर सेल्फ. बट इफ यू आर फोकसिंग ऑन कि अब मैं नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा, नहीं किया तो अब कैसे करूंगा, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट. सो अंडरस्टैंड, it totally depends upon you, the way you think, the way you think, the way you grow. So always focus on yourself and your growth. And I love all of these three points, what you have said. So thank you so much for being here. Yeah, and I am really grateful to have you on my show. Thank you so much. Thank you. It was my pleasure to be here, Rajan. All the best to you and all the people, all the listeners. I would just say one thing, ki just go for it and enjoy your life. Thank you so much. आई होप कि इस वीडियो से बहुत चीज आपको सीखने को मिली होगी, आपको कुछ इंप्रूव करने के लिए नए पॉइंट्स मिले होंगे. सो डू लाइक एंड शेयर विद पीपल हु रियली वॉन्ट्स टू लर्न दिस. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक.